मम्मी शादी शादी बाल बात हो मैं लेट हो जानी हां। ओहो पुत बाही तो जानी हां। हां ला प्रीत पुत छेती तैयार कर दे कुड़ी लेट हो जांदी है ते स्कूल च प्रोग्राम है। बस बेबी करती तैयार। सच वीरू मेरी गल सुन पुत तू स्कूल च ओही गाना गाना जेड़ा मैं तेनू रात तैयार करवाया सी। हां जी मम्मा मैं ओही गाना गाऊंगी। मेरा बच्चा ते मेरी गल सुन सोना सोना गाई चंगा ते फर्स्ट आना। नाले पुत ध्यान ना पढ़िया कर जो तू वड्डी होगी तेन असी अवसर लाना है। ठीक है दादी। ले वीरू तू ऐ कर फटाफट चुन्नी ले ते स्कूल जा लेट हो जानी है। सोना सोना गा के चंगा। ना वीरू तैयार हो गई होगी तैयार। आज इन्हां दे स्कूल च विसाखी दा फंक्शन है गीत गाओगे अपनी धी अज। अच्छा चल वधिया नाले कुड़ी नूं ना स्कूल तोर के मेरी रोटी बन दे कंबाइन लगू अज अपने कणक वड्डनी अज आपां। अच्छा आपां अज कणक वड्डनी है तुसीं वी ना टाइम ते दस दिओ 10 बज गए हुण केड़ा टाइम है कणक वड्डन दा कल नहीं दसना चाहीदा सी तुहानूं। अज भोले कंबाइन वाले दा फोन आया सीगा कहिंदा अज मैं वेहला मां चल साडे खेत च लग जांदा। चल तू ऐ कर बन दे छेती फिर रोटी मैं लेट होई जांदा। रोटी तां मैं बन लैनी आ कोई गल नहीं तुसीं मेरी गल सुणो नाले जो कणक अपनी वड्डी गई बेच बूच के ना मैं 1000 रुपए वाला सूट लिया दियो। बेबे देख ले पिछली रे मेरे ना किन्नी माड़ी कीती सी 1000 दा लारा ला के 500 वाला लिया की मत्थे मारिया ऐतकी बई मैं ता 1000 तो घट सूट लेना नहीं। ओ फिर 500 वाला केड़ा माड़ा सीगा हुण भी मैनूं 500 वाले लिया के दोगे हले। चल कोई ना बहस ना मिलिया दूंगा आपे मैं। चल चंगा ते नाले वीरू मेरी गल सुन पुत्त तू अज आपदे मास्टर नूं स्कूल च कह के आउणा भी मास्टर जी मैं ता बस आही साल स्कूल च पढ़ूंगी सरकारी च अगले साल तो असीं प्राइवेट च दाखला भरांगे। चंगा चल तू ऐ कर आ फट चुन्नी ते फटाफट स्कूल जा। ध्यान नाल जाई चंगा। ले देख ले बेबे सूट आले च तां हमी भी नहीं भरी हैगी किवें चुप करके बह गया बई सीधी जी गल अपनी ता मैं ता 1000 तो घट सूट लेना नहीं ऐतकी। लिया दी पुत जिदे दी आई है कदे 500 तो वध सूट ही नहीं लिया के दिता आपां इहनूं हुण ऐतकी इहनूं 1000 रुपये दा लिया दी इह वी खुश हो जूगी। ओ कोई ना मां लिया दूंगा आपे मैं नाले मेरा किहड़ा जी नहीं करदा मेरा ता जी करदा 1500 वाला दवावां मैं हुण की करीए कबीलदारियां इन्नियां ने। लै कबीलदारियां नूं दस की हुंदा है हुण कणक ता बेचांगे आपां ते उहदे वी ता पैसे आउणगे कणक दे ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ 1000 ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਹੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ 500 ਦਾ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੂਟਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਨ ਦਿੰਨੀ ਆ ਨਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ 13 ਸਕੂਲ ਲਾ ਦਈਏ ਫੀਸ ਤਾਂ ਆਪੇ ਭਰੀ ਜਾਊ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਲਾਉਂਗੀ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬੰਨ ਕਿਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਸੋ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਮਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਗਰਮੀ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਆ ਫੜੋ ਜੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਆ ਬਾਟੀ ਪਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਪਾ ਲੋ ਵਿੱਚ ਬਾਟੀ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਚਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੈਨੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਚੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈ ਪੁੱਤ ਤੈ ਬਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਬੇਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਆਪਣੇ 11 ਗਲਾਸ ਸੀਗੇ ਤੇ 10 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਛਿੰਦੀ ਦਾਲ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਣਕੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਆਈ ਲੈ ਗਈ ਸੁਧੇ ਦਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੋੜ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੌਲੀਆਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀਆਂ
मैं आख्या झोली च पा के ले जाऊगी, सोहनी नहीं लगती भी चल गिलास ही लै जा। चल दे दूगी कोई नहीं। सच बेबी मैं तां कहिंदी सी रब करे अपनी कणक ना वधिया निकल आवे। कणक वेच के एक दाव दा सूट लिया 1000 वाला, एक तेरा लिया तू 500 वाला, एक अपनी कुड़ी का भी तो लैके आना। पुत मैं तो नहीं पाती, जेड़ा 500 का मेरा लिया के देवेगी ओही मावा धीआं दोने 1000-1000 वाले ले आए। ओहो वीरू की गल नहीं करती, तेरी कुड़ी की गल करती हाँ। अच्छा और हूँ वह अच्छा। भी तो बेचारी प्रीत नाले बेबे कुड़ियों तो अपने पेकों तो बथेरी आस होंगी है, 6 महीने हो गए मैं तो उन्होंने कोई सूट भी नहीं दिता बेचारी। पुत ऊ तो कोई घाटा नहीं वो घरे, फिर भी पेकों की आस करती होंगी है ती, थोड़ी मर्जी है ले होर बेबे देवे सूट तो हक बनता अपना देन का। थोड़ी शोभा होगी भी मेरी भरजाई ने सूट लिया के दिता है ताही तो कहनी है मैं किन्नी खुश होगी। चल चंगा तू बैठ मैं ना कुट के चाह बना के लेके आनी हूँ। चल कोई ना तो बना ले। रोटी भी वापस ली हाँ अहिज की गल हो गई मैं बहु कि लमकई आना की गल हो गई। कुछ नहीं भोला जवाब देगा कंबाइन वाला क्यों भोले पिछे ना लगो तो ठग है लोगों तेर दा फिरदा होई किसी होर नूं पुछ लो ना। तेनू पता तां हैगा लप्पीत सीजन दा टाइम है ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਦਾ ਟੱਪਦੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾਗਾ। ਉਹ ਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੌਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਡਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਿਆ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੈ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘਰੇ ਸਕਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਦੀ ਉਧਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਮੰਡੀ ਚ ਹਨਾ। ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਪਾੜਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਜਿੱਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱੜਤੀ ਉੱਧੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਦੂਗੇ ਕਗੀਰ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਉਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਟੇ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ। ਹੋਰ ले
बोझ के लै जो मेरी गल सुनो कल मैं थोनू दसना भूल गई सी एक सूट होर लिया दियो 500 वाला ओ अपनी प्रीत नू देना बेचारी नू 6 महीने हो गए देखी ओनू कोई सूट ही नहीं दिता चल कोई ना मैं ले आऊंगा और कोई फरमाइश है होर ता जी मैं एवें कहंदी सी जेड़ा अपना पिछली बैठक नहीं हैगी ओनू पक्की ना करवा लिए कई बार कोई परौना तरौना आंदा बिठाउणा पै जांदा चल कोई ना आके देखदे आं मम्मा भूख लगी पई है रोटी कदों को बनूंगी हां वो तो बन गई है जो बैठ के खा ले वीरू आजा खेडिए ए नहीं खेडदी भाई रोटी खाऊगी तुसी खेड लो इन्हें मम्मा भाग जान दो ना नहीं रोटी तो खा जा बाद में आके खा लूंगी मैं चल चल भाग जा ए जवाब भी ना ऐतवार वाले दिन तो जमे नहीं टिक्के पेंदे वीरू आज तो तेने छुट्टी सी कल जो स्कूल जाएंगी ना वो गल कह दी मास्टर नु जेड़ी मैं समझाई सी तेनू मम्मी मैं तो कल ही कहता सीगा बीजी मेरा नाम कट दो ओहो पुत्ते ना कटन नु थोड़ी कहना सी ऐ कहना सी मैं तो आही क्लास करूंगी थोड़े स्कूल च फिर मेरे मम्मी डैडी मेनू प्राइवेट स्कूल च लाउणगे ठीक है ठीक है होर ही कुछ की हाई तू सच्ची ना ना कट देणगे ते तेरा मम्मी पापा आ गए हां पुत्त आ गए तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਕਣਕ ਫਿਰ ਹਾਂ ਵੱਡਤੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਕਦੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲੀ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਲੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 42 ਮਣ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਣਕ ਬਸ ਇਸ ਵਾਰੀ 40 ਮਣ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ 40 ਮਣ ਲੈ 40 ਮਣ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੀ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਖਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੇਬੇ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ 40 ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਕਣਕ ਹਾਏ ਮਾਚਾ ਇੰਨਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤਰੇ ਹੱਸ ਪਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਣਕ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋਬ ਕਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕੱਢੀ ਆ ਕਣਕ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਅੱਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਬੇਬੇ ਕੀ ਕੁ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਲੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਬੇਬੇ 20 ਮਣ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਉਧਰੋਂ ਝਾੜ ਕੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਰਿਹਾ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੇਬੇ ਮੜਿਆ ਗੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਭੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ कुछ नहीं हुआ पुत्त उड़े किवें चीक जी मारी बेबी पाला पैड़ा सुपना आया सी मैनू की सुपना आया मैनू सुपना आया जिवें तुसी ने स्प्रे पी ली नहीं मैं मर जां अहे जे सुपने आंदे तन बेबी अहे जे सुपने कातों आंदे ने ਇਹ ਪਤਾ ਪੁੱਤ
की रबी दो सुनना बन रहा सुपने भी यही जिले हूं लग गया। बेबे वरिंदर का माड़ा जहा ध्यान रख्या कर, मैनु तो डर जहा लगता रहा। पुत डरन वाली तो कि गल है, पर ना दिने आया सुपना माड़ा होंगे का। पता नहीं कहा तो बेबे, मैनु तो ना चिंता जी लगी पई है। पुत चिंता ना कर, इन्नी चिंता नहीं करते होंगे भी, पर वैगुरू है करन वाला। तो वीरू तू पै जा पुत। लवप्रीत मैनु माफ कर दी, मेरा जीन का कोई फायदा नहीं। एक ही है? नहीं नहीं कुछ नहीं है। अच्छा हुण मेथों भी ओला रखेगा कि मैनु मूर्ख बनाना तू? ओना कुछ नहीं है, तो दवाई छोड़ा फड़ा की आ जेड़ी तेरे हाथ च है तेरे दुश्मन की करदा सी, इनू पी के अपने आप नु खत्म करदा सी। ओ नहीं नहीं ओ दो बुखेच ले के मेरे सिर दी सौं खा के दस्ती करदा सी। मरदा सी? हां क्यों मरदा सी? ओ फिर इस दुनिया ते जीवन दा फायदा भी की है, जो रोज ता मिट्टी नाल मिट्टी होके मरदा रहना। मैं मतलब तू मरना चाहना है? आ फड़ मेरे सामने पी। मैं नीवी पौंड नु नहीं कहा टीके दिखा मेरे सामने, बड़ा सूरमा बनया फिरदा सी स्प्रे भी के मरदा सी। चल मेरे नाल चल इत्थे बैठ। बेबे ओला प्री प्री बेबे नु ना दसी तू। बेबे नु दसदी नहीं मैं, बेबे सामने आपा दोहे जने स्प्रे भी के मरांगे। ओ स्प्रे क्यों पीनी, स्प्रे भी के मरना ब्रदर? तू भी तो स्प्रे भी के मारी रहा सी ते चोरी मर जांदा, ओदे तेरे वास्ते चंगा सी। की हो गया? आकर तू ते तेरे पुत दी स्प्रे भी के मारदा सी कल्ला। ओदा शुक्र है परमात्मा दा मैं ऊपर बैठी। ये पुत आ पींदा सी की गल, तेरा जीदा है के दुनिया तो? ए मेरी तां उदी जांदी रहदी आ, कणक घट निकली तां करके मरन जा रिया सी ए। अच्छा ये पुत जे तू मर जांदा फिर कणक बाली आ जांदी, फिर भी ओने झाड़ खोना सी। मेरे वर्गे मूर्ख नु समझाउण दा की फायदा, इकल्ला थोड़ी मर चलिया। ए पुत एस धी दा की बणदा, एदा की बणदा बगैनी धी दा, ते मेरा की बणदा वडेपे बारे? तू इन्नी तां सोच लैंदा। अही तां मैं कह रही हां कि साडे सारयां दे सामने पीके दिखा, असीं तैनूं मरदे हुंदा देख लईए। चोरियां तां बुजदिल मरदे हुंदे ने, सामने पी जे तेरे च हिम्मत है तां। तू आपदे धी दे सुपने मटिआउंदा सी, तैनूं शर्म नहीं आउंदी? तेनू की लग्या तू स्प्रे भी के मर जाएगा, ते जेड़ा मेरे सिर ते कर्जा चढ़िया होया ओ ले जूगा? तेरे मरन तो बाद कौन लाऊ कर्जे? मैं लाऊ कि तेरी मां लाऊगी कि तेरी धी लाऊगी जेड़ी हले हसन खेडन दी उम्र च फिरदी आ? ज्यों के दिखा ज्यों के। तू कल्ला थोड़ी मरदा सी, तेरे वर्गे हजारा किसान मरदे ने एक दिन च, कोई स्प्रे पी के, कोई सरफास खा के, ते कोई फाहा लेके। फिर उन्हां दे मरन तो बाद उन्हां दा कर्जा लै जांदा है, फिर उन्होंने मरण तो बाद अगली जेड़ी फसल होगी वो वधिया निकल जाती है। पुत दुख का सामना करना पैंदा गा, करौना नहीं पैंदा। तैनू इन्ना पता नहीं भी मेरा परिवार की करू जे इन्ना ही है, पहला मां नू प्या फिर मां पी। क्यों पीऊगी बेबे, मैं किधर जाऊं? नहीं पुत मैथों पुत का दुख सह नहीं होना। ते मैथों बेबे सह हो जाता, कदे उन्हों औरतों नू पुछ के देख ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਔਰਤ ਕੱਲੀ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਝੋਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜੱਟ ਵਰ ਕੇ ਮਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਬੋਲ
हुण चुप नाल नहीं टाइम पास हुंदा। बोल दस हुण जवाब दे इहनूं। सिर उपर चक ते उधर अपनी धी गनी देख। कौन व्याहुंदा उहनूं तेरे मरन तों बाद? मैं ब्याह लैंदी कल्ली। तैनूं तां सोच सोच के भी हैरानी हुंदी है भी मैं तेरे वर्गे बुझदिल नाल वेही गई आ जिहड़ा एड्डी क गल ते भी डरपोक हो गया, मिंटां च डर भी गया। एक बार तां तूं पुछ लैंदा भी अपने फसल घट होई है आपां की करिए हुण। तैनूं तेरे घर वाली राय दिंदी, तैनूं तेरी मां दिंदी राय। बेबे इहनूं किसे ते विश्वास ही नहीं, इहनूं तां बस मेरा हजार वाला सूट चुभदा सी। मैं कहड़ा तैनूं धक्के नाल कहा सी कि मैनूं दवा की लैके आउणा। हां पुत्त तेरी सही गल है, धीए तू अपनी थां ते सही हैगी, पर इहदा दिमाग घुम गया, इह वी की करे। बेबे पहला भी तो मैं हर साल कहती होंगी सी जिन्नी का सूट दवा मैं चावा नाल फड़ के बह जाती सी। मैं 5-6 साल हो गए व्याही नूं, मैं कहते कहा भी आ भी मैं इन्ने हजार वाला सूट दवा दो। पुत करसान आई मरते ने, क्यों को? क्यों मरते ने बेबे, क्यों मरते ने? हालातों का सामना क्यों नहीं करते? आस क्यों नहीं लाते भी साड़ी अगली फसल वधिया निकलूगी? जे हर वारी फसल घटिया निकलती है फिर कुछ खा के मर जाओ, फिर तो सारे टब्बर नूं भी नाल लैके मरो। अच्छा वो तो दुख झेलन वास्ते जिउंदा रह जे ते आप मर जे। हाँ पुत्त तू सच बोलती है, सोचना चाहिए एक बार। हुण तू कुछ बोलेगा भी सुनिया जाएगा? गलती मैं माफ कर दे, मैंने मेथों गलती हो गई। गलती सी है ना, बहुत छोटी गलती की है जिदी तो मेरे तो माफी मंगदा। माफी मेरे तो नहीं ऐ तो मंग जिहड़ी तेरे सामने खड़ी है, किन्नियां आसां नाल खड़ी है, अखां देख ओहदियां। एक धी ने अपने बापू तो इन्नियां आसां लाईआं ने ते तू ओहदियां आसां नूं तोड़न चलिया सी। फिर तां मैनूं भी मर जाणा चाहीदा, मैं भी तां 4 बजे उठदी आं ते सारे घर दे कम करदी आं। घर दे कम करके मैनूं की मिलदा? कुछ पिया कदे मेरे पल्ले? फिर तो मैं भी मर जा, फिर रहूगा कौन इथे? वीरू मैंने माफ कर दी, पर मैं तेरा ख्याल सच्ची भूल गया सी। मां मैंने माफ कर दे, मैं सच्ची डट के मेहनत करूंगा। आज मैं थोड़े सारे दा ख्याल वक्त दे दबाव च कढ़ता सी, मां मैंने माफ कर दे। करता तेनू माफ। ते नाल एक गल होर, जेड़ा कदम अज चक्कण लग्या सी ना इस सुपने च भी ना भुल के चक्की तू, समझ लगी? सोनी ते ना लिया गया, अगलिया कणक वेले लिया दंगे पुत्त, 1000 रुपये सूट की केड़ी गल है? नहीं बेबे मेनू तो बस अपना परिवार हसदा खेडदा चाहिए, मेनू नी सूटा साटा की लोड़ हैगी। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, उम्मीद करदे आ सारे जने ठीक ठाक होवोंगे। सो जिहड़ी वीडियो तुसीं हुणे हुणे वेख के हटे हो ते इहदे विच आपां इक छोटा जिहा ते प्यारा जिहा मैसेज देण दी कोशिश कीती आ। आपां रोज़ ही न्यूज़पेपर पढ़दे आ है ना, उहदे विच खबरां आउंदियां कि कोई किसान फाहा लैके मर गया, कोई स्प्रे पी के मर गया, जां फिर कोई सल्फास दीआं गोलियां खा के मर गया, ते बहुत दुख हुंदा है ना सुण के खबर, क्योंकि जिहदा भी परिवार दा मैंबर जांदा ना उह परिवार दे आपां हालात समझ सकदे वी उहनां दी बीतदी की होएगी। देखो असी कोई बाले संसीर थोड़े तो सीनियर तो है नहीं भी थोड़ू समझावे है ना, असं कौन होंगे थोड़ा समझाने वाले ज मैसेज देने वाले, पर फिर भी एक कोशिश की है तो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यह जहाँ कदम ना चुकया करो। मानते हैं कि एक किसान सारा साल मेहनत करता है तो सारा साल मेहनत करने तो बाद जो पल कमाई नहीं पैंती तो उन्होंने बहुत बुरा फील हों भी यार की फायदा जीण का है ना, इस तो चंगा तो अपने आप को खत्म कर लो या फिर वो सिर कर्जा चढ़िया होंगे। आ हुणे हुणे पिंड कुलरियां भी थोड़े दिन पहला खबर आई सी कि कोई मुंडा सीगा बेचारा छोटी जी उम्र का सीगा ते जदों बाणीए कोले पैसे लैण गया तो उन्हें मना करता, उहदे सिर ते पहला भी 12-13 लाख रुपए का कर्जा सीगा ते बेचारा सल्फास दीआं गोलियां खा के मर गया। वो दो भैणां सी उहदे बेचारे दे, सारा परिवार मतलब सोग ही छा गया सारे परिवार दे विच।
बहुत दुख होंदा एवं दीआं खबरां पढ़ पढ़ के। इस करके इहो जिहे हालातां दे विच हिम्मत ना हारिया करो, हिम्मत तो कम लिया करो कि कोई गल नहीं, जे इस वारी अपनी फसल माड़ी निकल गई तां हो सकदा इस तों दुगणी निकल जाए अगली वारी, है ना। परमात्मा जो भी करदा चंगे वास्ते करदा, नाले उसी परमात्मा नूं फिक्र हुंदी आ अपना ढिड भरन दी। जिहड़ा इंसान परमात्मा आपां नूं दे रहे आ ढिड, वी तां आपणा उही भरूगा ना। इस करके इहो जिहे गलत कदम ना चक्किया करो, बस हथ बन के ही बेनती है ना कि किसान वीर ने जड़े रज के मेहनत कराया करो, पर प्लीज़ आह अपने आत्महत्या तो बहुत दूर रहा करो। एक तो ऐसी कर दे भी यार, जिहड़ियां स्प्रेहां ने ना ये खत्म ही हो जानियां चाहीदियां ने। यह बनिया किसी होर काम वास्ते ने, पर इन्हां दे मिसयूज हो रहे हैं, इन्हों लोग आपदे खत्म करने वास्ते अपने आप नूं एवें यूज कर लग पे। इस करके बहुत डर लगता है इहो चीज़ों तो। इस करके बस सारे भरावों नूं यही रिक्वेस्ट करदी हाँ कि जिहड़ी भैण दा भरा मरदा, जिहड़ी माँ दा पुत्त बन मरदा, जां फिर एक धी दा प्यो मरदा, तां बहुत दुख हुंदा इस चीज़ दा, है ना। बेमौते मरना कोई सौखा काम नहीं हुंदा ते ना वधिया हुंदा। इस करके प्लीज़ इन्हां चीज़ां तों दूर रहा करो। बाकी जे कोई गल बुरी लगी होवे तां इस गलती दे लई सानूं माफ़ कर दिओ। जिन्हें वीडियो वधिया लगी लाइक कमेंट शेयर करके दस्सिओ, ते जिहड़े चैनल ते नवें आ चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।